अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर अंसारी हॉस्पिटल द्वारा किडनी स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किडनी की बीमारियों से रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए उसकी जानकारी डॉक्टर फैजान अंसारी द्वारा दी गई। अकोला के प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फैजान अहमद अंसारी MD DM नेफ्रोलॉजी और अंसारी हॉस्पिटल की ओर से विश्व किडनी दिवस के अवसर पर स्थानीय मेहरुन्निसा फंक्शन हॉल लक्कड़गंज में जनता के लिए किडनी रोग संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर फैजान अंसारी के साथ डॉक्टर जीशान हुसैन फातिमा हॉस्पिटल, डॉक्टर एहतिशाम देशमुख जहूर हॉस्पिटल, डॉक्टर मुंजीर आलम उम्मीद हॉस्पिटल, डॉक्टर महविश खान सनशाइन हॉस्पिटल और डॉक्टर इरफान शेख बाल रोग विशेषज्ञ प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कुरान के पठन से कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथियों का अंसारी हॉस्पिटल द्वारा स्वागत किया गया। सभी डॉक्टर्स ने किडनी रोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी एवं किडनी रोग से बचने के लिए उपाय भी बताए और समाज में किडनी रोग, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में फैली भ्रामक बातों और गलतफहमियों को भी दूर किया। इस कार्यक्रम में किडनी के मरीजों की सहायता करने वाले सामाजिक संस्था जैसे फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन, माननीय बिलाल लखोटिया सेठ साहब, हुकूकुल इबाद ट्रस्ट, खिदमते खलक ट्रस्ट इत्यादि को अंसारी हॉस्पिटल द्वारा सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर फैजान अंसारी और उनकी टीम द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों के साथ किडनी डोनेट करने वाले रिश्तेदारों और डायलिसिस के मरीजों को भी ट्रॉफी बुके देकर सम्मानित करके प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अंसारी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय नोमान अंसारी ने विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में अंसारी हॉस्पिटल में डायलिसिस पेशेंट के लिए कैरम टूर्नामेंट भी आयोजित किया था, जिसके विजेता और उपविजेताओं को भी इसी कार्यक्रम में ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नोमान अहमद अंसारी एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर फैजान अंसारी के पिता इरफान अंसारी साहब ने किया। भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने इस कार्यक्रम को कामयाब बना दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनने में अंसारी हॉस्पिटल से नोमान अहमद अंसारी के साथ सैयद मुजम्मिल, रजी अहमद खान, अब्दुल वाजिद, मोहम्मद गौस, मोहम्मद अनीक, मुदस्सिर हसन, मोहम्मद मुजफ्फर और दिशान अहमद इत्यादि ने प्रथम प्रयास किए। अकोला 24 न्यूज के लिए सईद खान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैजान अहमद अंसारी, किडनी स्पेशलिस्ट अंसारी हॉस्पिटल अकोला में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मार्च के महीने में दुनिया भर में किडनी की अहमियत और किडनी की बीमारियों के बारे में मालूमात देने के लिए वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसी लिहाज से हमने भी आज वर्ल्ड किडनी डे का एक फंक्शन प्रोग्राम रखा था आम लोगों के लिए, ताकि किडनी की अहमियत, किडनी के कामों की अहमियत और किडनी की बीमारियों के बारे में आम लोगों को एक अवेयरनेस पैदा की जा सके। इस प्रोग्राम में अकोला के मशहूर डॉक्टर जीशान हुसैन साहब, डॉक्टर मुंजीर सर, डॉक्टर एहतिशाम हुसैन और डॉक्टर महविश खान और डॉक्टर इरफान शेख, ये सभी इसमें हाजिर थे और इन लोगों ने किडनी की अहमियत और किडनी की बीमारियों की अलामतें और उन्हें जल्द से जल्द किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सके और अगर किडनी की बीमारियां आए तो उसमें उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये सब लोगों को बताया। और बहुत अच्छा था कि आम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बहुत दिलचस्पी दिखाई। इस प्रोग्राम में हमने साथ ही साथ किडनी की बीमारियों के जो पेशेंट किडनी की बीमारियों से लाहक है उनकी हिम्मत अफजाई की और जो NGOs और ट्रस्ट किडनी के पेशेंट्स के लिए सपोर्ट करते हैं उन सब का भी फेलिसिटेशन किया। जनरल फिजिशियंस जो आम लोगों आम पेशेंटों के पहले कॉन्टैक्ट्स में होते हैं उन सभी से और जनरल लोग आम पब्लिक से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के अहमियत के बारे में जाने और किडनी की बीमारियों कैसे डिटेक्ट करते हैं उनके बारे में जाने और सही वक्त पर अपनी किडनी की बीमारियों का इलाज करें, इससे हम बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। शुक्रिया।